सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बात कर लेते हैं फ्री फायर कुछ और नए लीक्स एंड अपडेट्स के बारे में। एंड हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सा चैनल बैनर चाहता हूँ, तो अगर आप लोग अच्छा सा चैनल बैनर डिज़ाइन कर लेते हो यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको एक वीडियो शो हो रहा होगा, तो प्लीज़ यार वहाँ पे जाके वीडियो देख लेना किस तरीके से आप लोगों को चैनल बैनर डिज़ाइन करना है, कहाँ पर भेजना है, ये मैंने सारा का सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइस, मैंने डेट नहीं बताया था, 3 अगस्त तक टाइम है आप लोगों के पास। अगर 3 अगस्त तक आप लोग को मुझे एक प्रोफेशनल सा चैनल बैनर बना के दे देते हो, तो आपको मेरी तरफ से जो गिफ्ट मिलेंगी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया उस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग अच्छा सा चैनल बैनर क्रिएट कर लेते हो यूट्यूब के लिए, तो प्लीज़ यार 2 मिनट सिर्फ देख लेना उस वीडियो को, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ पे आपको चैनल बैनर भेजना है, आपको चैनल बैनर किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो अपडेट निकल का आता फ्रेंड्स, वो है लक रॉयल सेक्शन में डायमंड रॉयल सेक्शन को लेकर। एंड गाइज, आप लोगों को पता होगा डायमंड रॉयल सेक्शन में जो भी अभी फिलहाल कॉस्ट्यूम चल रहा है, उसको सिर्फ कुछ ही टाइम बचे हुए खत्म होने में। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब कौन सा नया कॉस्ट्यूम देखने को मिल सकता है फ्री फायर में। गाइज, ये जो लीक है मुझे कल रात को ही मिल चुकी थी, और जो लीक है फ्रेंड्स, लीक में कुछ कंफर्म नहीं किया गया था, और टोटल 4 कॉस्ट्यूम दिखाए गए थे, और उसमें से कहा गया था इन 4 कॉस्ट्यूम में से 2 कॉस्ट्यूम हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो एलिमेंटल कॉस्ट्यूम आप लोगों को दिखाई जा रहा है, तो लीक के अकॉर्डिंग बताया था शायद से हो सकता है ये जो एलिमेंटल कॉस्ट्यूम है वो आ जाए डायमंड रॉयल सेक्शन में, नहीं तो फिर क्रेजी डीजे बंडल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आ सकता है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जो कि अब जाकर क्लियर हो गई है। इसी वजह से यार जो थंबनेल है वो भी मैंने थोड़ा सा गलत थंबनेल में दे दिया, तो माफ़ करना इसके लिए फ्रेंड्स। पहले मैं थंबनेल एडिट करता हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ। पता नहीं क्यों यार, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मुझे थोड़ी सी सहूलियत मिलती है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पहले मैं इसलिए थंबनेल एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइज, क्लियर हो चुकी है और पता चल चुका है, अब जो डायमंड रॉयल सेक्शन में आने वाला है वो होगा क्रेजी डीजे का कॉस्ट्यूम। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ये कॉस्ट्यूम डायमंड रॉयल सेक्शन में आने वाला है। तो फिलहाल आप लोग वीडियो देख लो, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा एंड वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और गाइज, ये जो कॉस्ट्यूम है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही बात कर लिया था कि ये जो कॉस्ट्यूम है वो कहीं ना कहीं तो देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल ये भी कंफर्म हो गया है कि डायमंड रॉयल सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो बस यार, आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग को ये जो कॉस्ट्यूम वो पसंद आया फिर नहीं आया, और क्या जब ये डायमंड रॉयल सेक्शन में आएगा तो क्या आप लोग इस कॉस्ट्यूम को खरीदना चाहोगे या फिर नहीं खरीदना चाहोगे। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तुम्हारा अगला जो अपडेट निकल का था फ्रेंड्स, वो है रिचार्ज इवेंट को लेकर। एंड गाइस, ये जो रिचार्ज इवेंट है फिलहाल स्पेन के सर्वर में चल रहा है, और बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें दी जा रही है फ्रेंड्स इस रिचार्ज इवेंट में। एंड गाइस, ये जो रिचार्ज इवेंट है वो किसी एक और इवेंट के साथ कनेक्टेड है। किस तरीके से कनेक्टेड है और उस इवेंट का क्या नाम है, फिलहाल मैं नाम नहीं बता सकता, स्पेनिश लैंग्वेज था इसलिए मैं समझ नहीं पाया। तो लेकिन गाइस, लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ये जो इवेंट है, जो भी इवेंट स्पेन के सर्वर में चल रहे हैं, वो ब्राज़ीलियन सर्वर में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये ब्राज़ीलियन सर्वर में आया तो इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है, ब्राज़ीलियन सर्वर में जो इवेंट आते हैं 1 या 2 दिन बाद इंडिया में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस रिचार्ज इवेंट में स्पेन के सर्वर में क्या क्या दिया जा रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर वहाँ का कोई बंदा एक डायमंड परचेस करता है तो उसको मिल जाएगा एक एनिमेटेड बैनर। अब ये फ्रेंड्स, एनिमेटेड बैनर क्या होता है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है नॉर्मल बैनर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, सभी बंदे यूज़ करते हैं गेम में। और गाइस, ये है एनिमेटेड बैनर, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, थोड़ा सा मोशन में तो कुछ चमकीला धमकीला टाइप का ये बैनर है, तो यही होता है एनिमेटेड बैनर। तो कोई भी बंदा अगर एक डायमंड परचेस करता है तो उसको मिलेगा ये एनिमेटेड बैनर। उसके बाद फ्रेंड्स, साथ ही साथ उसको मिलेगा 20 ब्लैक विडो टैग्स। उसके बाद गए, जैसे ही कोई बंदा 350 डायमंड खरीदेगा तो उसको मिल जाएंगे M1014 के 10 क्रेट्स, क्या बात है यार। उसके बाद 30 ब्लैक विडो टैग्स मिल जाएंगे। अब ये ब्लैक विडो टैक्स का काम क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कोई बंदा 750 डायमंड परचेस करता है तो उसको मिल जाएगा एक स्पाइडर कमाल का, जो अभी स्पाइडर बैकपैक चल रहा है वो मिल जाएगा, उसके साथ साथ 20 ब्लैक विडो टैक्स भी मिलेंगे। अब गाइस, ये जो ब्लैक विडो टैक्स है वो टैक्स किस तरीके से काम आएगा, चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो स्पेन के सर्वर में ये इवेंट चल रहा है, लेकिन इस इवेंट में गाइस बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फार्मास का स्किन दिया जा रहा है, 10 वेपन रॉयल वाउचर दिया जा रहा है,
और M1014 गन का जो क्रेट है वो दिया जा रहा है, और यहाँ पे एक सर्फ बोट का भी स्किन दिया जा रहा है। तो बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें दी जा रही है। किस तरीके से दी जा रही फ्रेंड्स, अगर किसी बंदे के पास 30 ब्लैक विडो टैग है तो एक सर्फ बोट वो ले सकता है, किसी बंदे के पास 3 ब्लैक विडो टैग है तो एक वेपन का क्रेट ले सकता है, अगर किसी बंदे के पास 1 ब्लैक विडो टैग है तो वो फार्म हाउस गन का स्किन ले सकता है 24 घंटे के लिए। क्या बात है यार, तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ये दिखा रहा है 10 वेपन रॉयल वाचर भी मिल रहे हैं। फिलहाल उसका नहीं दिखाया गया कि कितना टैक्स देना पड़ेगा 10 वेपन रॉयल वाचर के लिए, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें अभी स्पेन के सर्वर में चल रही हैं। तो इस तरीके से ब्लैक विडो टैग जो है वो इस तरीके से काम करेगा, मतलब कि आपको रिचार्ज इवेंट में ब्लैक विडो टैग को खरीदना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसको एक्सचेंज कर सकते हो, इन सारे आइटम्स को लेने में उसको एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइस अगर कोई बंदा इस ब्लैक विडो टैग को लेना चाहता है फ्री में, मतलब कि वो नहीं चाहता कि हम लोग रिचार्ज करें रिचार्ज इवेंट से, तो उसके लिए भी एक बेनिफिट दिया गया है। तो 7 बंदे को 5 बंदे को इस तरीके से किल करना है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, तो उसके हेल्प से भी 2, 3, 4, 5 ब्लैक विडो टैग है वो मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये जो इवेंट है वो चल रहा है स्पेन के सर्वर में, एंड गाइज लीग के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ब्राजीलियन सर्वर में भी ये जो इवेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो खैर देखते हैं इंडिया में ये जो इवेंट है वो आता है या नहीं। फिलहाल अच्छे अच्छे इवेंट तो इंडिया में देते नहीं है फ्री फायर वाले, पता नहीं क्या दिमाग है इनका, क्या मतलब मेंटेलिटी है इंडिया के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन आई होप ये जो इवेंट है वो इंडिया में देखने को मिले और जो जो बंदे ये जो स्पाइडर बैक पे खरीदना चाह रहे थे वो आराम से इसको खरीद पाएँ। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल का था फ्रेंड्स वो एक नए मॉड को लेकर, एंड गाइस लीक में मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था ये जो मॉड है वो स्पेशल सिर्फ CG-15 गन के लिए मॉड होगा। इस मॉड में सिर्फ CG-15 गन ही अवेलेबल होगा और कोई दूसरा गन अवेलेबल नहीं होगा, मतलब कि सारे इक्विपमेंट तो अवेलेबल होंगे, मेडकिट वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन सिर्फ CG-15 गन अवेलेबल होगा और कोई भी अदर गन अवेलेबल नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स इस मॉड का नाम आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, फुल्ली चार्ज मॉड। एंड गाइस लीक के अकॉर्डिंग बताया गया था ये जो मॉड है वो हम लोग को समर इवेंट में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारे बंदों ने जो भी फ्री फायर खेलते हैं उन लोगों ने इस मॉड को ज़्यादा वोट नहीं दिया, जो भी फ्री फायर प्लेयर्स है उन लोगों ने एक्सक्लूसिव जंप मॉड को वोट दे दिया, रैम्पेज मॉड को वोट दे दिया, और भी हुक्स एंड ब्रिक्स हुक स्विंगर मॉड आया था उसको वोट दे दिया। इस वजह से ये जो CG-15 मॉड है वो हम लोग को फिलहाल समर इवेंट में देखने को नहीं मिला। तो खैर लीक निकल कर आ चुकी है और लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है फ्रेंड्स 25 जुलाई को ये जो मॉड है वो ब्राजीलियन सर्वर में अवेलेबल होने आ रहा है। एंड गाइस ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मॉड है वो ग्लोबली रिलीज होगा 25 तारीख को, मतलब फ्रेंड्स अगर ग्लोबली लॉन्च होगा तो 25 तारीख को इंडिया में भी ये जो मॉड है वो देखने को मिल सकता है। गाइज मैं कन्फर्म होकर श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है डेट जो है वो आगे पीछे हो जाता है, हो सकता है कल ही ये जो मॉड है वो देखने को मिल जाए या फिर हो सकता है 3 दिन 4 दिन बाद ये मॉड देखने को मिले, लेकिन हाँ लीक के अकॉर्डिंग बताया गया 25 तारीख को देखने को मिलेगा, मतलब कि हाँ हो सकता है 25 तारीख को देखने को मिले। तो इस मॉड में सिर्फ CG-15 होगा और भी कोई नई गन नहीं होंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला इस मॉड को खेलने में फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करें बताना क्या आप लोग इस मॉड को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, और इस ये जो मॉड आएगा तो क्या इस मॉड को आप लोग खेलना चाहोगे या फिर नहीं खेलना चाहोगे, कमेंट जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल का था फ्रेंड्स वो भी एक नए इवेंट को लेकर ही है। एंड फ्रेंड्स इस इवेंट में मैजिक क्यूब के जो दो कॉस्ट्यूम है उस कॉस्ट्यूम को फ्री में दिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल में जो मैंने दो कॉस्ट्यूम डाला हुआ है वही सेम कॉस्ट्यूम गाइस दिया जा रहा है इस रिचार्ज इवेंट में, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं ये जो रिचार्ज इवेंट है वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से ये जो कॉस्ट्यूम वगैरह वो फ्री में दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इवेंट फिलहाल वियतनाम के सर्वर में और US के सर्वर में चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ टोकन वगैरह स्माइली टोकन वगैरह कलेक्ट करनी है, और इसका लिंक मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि US के सर्वर में एक इवेंट चल रहा है जिसमें स्माइली टोकन वगैरह कलेक्ट करनी होती है और जिसके हेल्प से आप लोग नए नए आइटम को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये कुछ उसी टाइप का इवेंट है, आप लोगों को बहुत सारे स्माइली टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे और इस स्माइली टोकन के हेल्प से आप लोग ये जो कॉस्ट्यूम है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो इन दोनों कॉस्ट्यूम को फ्री में ले पाओगे। तो आप लोग को टोटल 100 स्माइली टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो यार ये है वो प्रूफ, तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो टोटल आप लोग को 100 स्माइली टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा जिसके हेल्प से आप लोग एक कॉस्ट्यूम को अनलॉक कर पाएंगे, मतलब कि मैजिक क्यूब में जो कॉस्ट्यूम दिया जा रहा था मैजिक क्यूब के हेल्प से जो कॉस्ट्यूम हम लोग एक्सचेंज कर पा रहे थे उस कॉस्ट्यूम को हम लोग फ्री में एक्सचेंज कर पाएंगे इस स्माइली टोकन के हेल्प से। तो टोटल आपको 200 स्माइली टोकन कलेक्ट करने हैं तब जाकर आप लोग ये दोनों जो कॉस्ट्यूम है वो आराम से अनलॉक कर पाओगे। खैर अच्छा इवेंट चल रहा है US के और वियतनाम के सर्वर में, और गाइस कोई भी ऐसा लीक अभी निकल कर सामने नहीं आई है जिसमें बताया गया हो ये जो इवेंट है वो इंडिया में आ सकता है फिर ब्राजीलियन सर्वर में आ सकता है। पता नहीं यार US के सर्वर में या फिर वियतनाम के सर्वर में इतने अच्छे अच्छे इवेंट क्यों आते। तो फिलहाल यार मानी जाए मेरी तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है वहाँ पर फ्री फायर के प्लेयर्स कम हो, मतलब कि US के सर्वर में या फिर वियतनाम के सर्वर में फ्री फायर के प्लेयर्स कम हो, जिससे हो ये रहा हो कि गइना कम्युनिटी बार बार अच्छे अच्छे इवेंट दे रहे हो वहाँ के प्लेयर्स को, ताकि जो भी नए नए प्लेयर्स हैं वो गइना फ्री फायर को खेले, गइना फ्री फायर को ज्वाइन करे और उनका जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो सके। या तो फिर फ्रेंड्स इसका एक और रीज़न हो सकता है कि US के सर्वर में और वियतनाम के सर्वर में इसका फ्री फायर का जो
प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा और हद से ज़्यादा टॉपअप वगैरह करते हैं, हद से ज़्यादा सब कुछ खरीदते हैं, तो वहाँ के प्लेयर को और भी ज़्यादा खुश करने के लिए और भी ज़्यादा इनकरेज करने के लिए ये जो इवेंट है वो लाया जा रहा हो। तो ये सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे इवेंट आने की, इसलिए ब्राज़ीलियन सर्वर में, वियतनाम सर्वर में और इंडोनेशियन सर्वर में और भी यूएस के सर्वर में इतने अच्छे अच्छे इवेंट आते हैं, लेकिन इंडिया में ये सारे इवेंट नहीं आते। खैर गलत बात है, जो इवेंट अदर कंट्री में दिया जा रहा है वो इवेंट इंडिया में भी देना चाहिए था। ऐसा फ्री फायर वाले गरीना कम्युनिटी वाले क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। खैर तो जो भी मुझे अपडेट देना था फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग कमेंट करके बताना जो भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया, इन सारे अपडेट में से आप लोगों को कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। एंड हाँ गाइस, थंबनेल में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया, मैं थंबनेल सबसे पहले एडिट करता हूँ उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो थंबनेल मैंने एडिट कर दिया था, उसके बाद मुझे कंफर्मेशन मिली कि हाँ ये जो लीक है वो कंफर्म हो चुकी है और कुछ और कॉस्ट्यूम नहीं आ रहा, इसलिए थंबनेल में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, उसके लिए माफ़ करना। तो बस यार ये कुछ छोटे मोटे अपडेट थे जो कि मुझे आप लोगों को देना था। एंड गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, अगर आप लोग चैनल बनाकर अच्छे से क्रिएट कर लेते हो तो प्लीज़ यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देख लेना, सिर्फ दो मिनट ही देखना, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया मुझे किस टाइप का चैनल बैनर चाहिए और आप लोग कहाँ पर वो चैनल बैनर सेंड कर सकते हो और किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या गिफ्ट मिलेंगी, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तो प्लीज़ यार एक बार उस जाकर वीडियो को देख लेना। एंड गाइस बस यही कुछ छोटे मोटे अपडेट थे जो कि मुझे आप लोगों को देना था, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और गाइस कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करना कंपलसरी है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट जरूर करना। और हाँ गाइज हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं फ्री फायर से रिलेटेड कुछ नए लीक्स अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी फ्री फायर से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसको देख पाओगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।